क्लास टेंथ में हम पढ़ रहे हैं पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वैदिक विधि, और वैदिक विधि में हम पढ़ रहे हैं आज चौथा क्वेश्चन, टॉपिक है अपना ध्वजांग विधि से भाग ज्ञात करना। यह विधि इम्पोर्टेंट विधि है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपन देखते हैं ध्वजांग विधि से कैसे भाग ज्ञात करेंगे अपन। देखो 4532 में भाग देना है अपने को 112 का। देखो पहले अपन देखते हैं ध्वजांग का मतलब होता है ध्वज। अगर मैं ध्वजांग में से ध्वज लूं तो ध्वज का मतलब होता है झंडा, और झंडा हमेशा ऊपर होता है। तो ऐसे ही इसमें भी एक संख्या ऊपर जाएगी, वो कौन सी, उसको बोलेंगे अपन ध्वज। कौन सी संख्या होगी वो? ध्वज संख्या। जैसे किसी भी वैदिक विधि से अगर अपन भाग ज्ञात करेंगे तो ये प्रारूप बनता है। हमने निखिलम से भाग किया था पहले वाले वीडियो में, तो हमने यही प्रारूप बनाया था। और आज मैं ध्वजांग विधि से भी भाग ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं यही प्रारूप बना रहा हूं। और आगे अगर मैं आपको प्रावर्त्य विधि पढ़ाऊंगा तब भी मैं यही प्रारूप बनाऊंगा, क्योंकि वैदिक विधि से, किसी भी विधि से अगर वैदिक में अपन भाग ज्ञात करेंगे तो प्रारूप यही बनेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ध्वजांग विधि में ये प्रारूप बनाना है। फिर अपन करेंगे एक अंक ध्वज में लगाना है, कुछ जो भाजक होगा अपना उसका जो लास्ट वाला अंक होगा उसको अपन ऊपर ही ऊपर लिख देंगे, ध्वज बना देंगे। जो दो अंक बचेंगे उनको मैं ऐसे की ऐसे ही नीचे लिख लूंगा। ध्वजांग विधि में हमेशा एक अंक बार वाले कॉलम में आता है, सिर्फ एक अंक। तो इनमें से एक अंक बार वाले कॉलम में चल जाएगा पीछे वाला, तो पीछे से दो उठा के मैं बार वाले कॉलम में रख दूंगा, और जितने भी अंक बचेंगे उनको रख लेंगे अपन अंदर वाले कॉलम में थोड़ी दूरी पर। इसके बाद में बस कुछ नहीं करना, ये आना चाहिए फिर अपन भाग देना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्वजांग विधि में जो भाजक होगा उसका पहला अंक अपन ध्वज बनाएंगे, बाकी के दोनों को अपन नीचे लिख देंगे। जो भी फिर जिसमें भी अपने जिस भी संख्या में अपने को भाग देना है उसका लास्ट वाला अंक लास्ट वाले कॉलम में, सिर्फ एक अंक हमेशा याद रखना, बाकी जो बच जाएंगे वो बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे संकेत, ध्वजांग विधि में संकेत लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं संकेत, तो संकेत फर्स्ट में। देखो अपना काम क्या होता है, मैं 11 का भाग देना है अपने को 4 में, तो 11 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो अपन दोनों संख्या ले लेंगे। तो 11 का भाग दूंगा मैं 45 में, जो ये रहेगा इसका मैं भाग दूंगा इसमें। तो मेरे को 45 में भाग देना है 11 का, तो भागफल कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 पंजो 55 होते हैं, इसलिए 11 चौक 44, मतलब 4 बार जाएगा भाग, तो मैं यहां लिख लूंगा 4। शेषफल क्या बचेगा, अगर अपने पास यहाँ पे 45 है और 11 चौक 44 होते हैं तो शेषफल बच गया अपने पास 1, क्योंकि 45 में से 44 जाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 1। जो भी शेषफल आएगा उसको अपन जिस भी संख्या में भाग देंगे बाद में 45 के बाद में, उससे पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये दो तो यूज कर चुके अपन। अब जो ये एक शेषफल आया है उसको मैं लिख दूंगा 3 से आगे, तो अपने पास नई संख्या आ जाएगी 13। तो यहां लिख लूंगा मैं नई संख्या 13। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो शेषफल और नई संख्या अपन लिखेंगे उसमें से हमेशा माइनस करेंगे अपन जो भागफल आएगा उसको ध्वज से गुणा करके। तो जैसे अपने पास आए ये 13 में से मैं माइनस करूंगा किसको, 4 को 2 से गुणा करूंगा, जो भी भागफल आएगा उसको ध्वज से गुणा करना है। तो 4 दोनों होते हैं 8, तो हमारे पास बचेंगे फिर 5। फिर जब नई संख्या आ जाएगी उसमें से ये अपन माइनस कर देंगे, तब जो भी संख्या आएगी उसमें फिर भाग देना है। उसमें किसका भाग देंगे, फिर वापस 11 का भाग देंगे। अगर मैं 11 का भाग 5 में दूंगा तो 0 बार जाएगा, कुछ जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 5 कम है, इसमें अपन भाग टूट के 0 पॉइंट वगैरह नहीं लगा सकते। तो अगर संख्या कम आ जाए तो अपन अपने आप ही क्या लिख देंगे, 0। अगर संख्या माइनस आ जाती है यहाँ पे तो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी, जो अपने आगे वाले क्वेश्चन में ही है जस्ट, तो फिर ये 0 आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे अब बचेगा क्या, शेषफल, शेषफल ये का ही बच जाएगा, क्योंकि भागफल अगर 0 आएगा तो फिर शेषफल 5 के 5 ही बच जाएंगे, यहाँ पे बच गए शेषफल 5। ये 5 जो बचे हैं उसको जस्ट आगे वाली संख्या में लिखना है। अब यहाँ तो संख्या है नहीं तो अपन आ जाएंगे इस वाले कॉलम में,
जैसे ही इस वाले कॉलम में आ जाते हैं फिर भाग नहीं देना अपने को, फिर प्रोसेस क्या करना है, ये 5 और ये 2 मिलके बन गए 52, और 52 में से हम घटाएंगे 0 को 2 से गुणा करेंगे। जब भी नई संख्या आएगी तो ध्यान रखना हमेशा यहाँ जो भी संख्या आएगी भाग भागफल में उसको अपन दस से गुणा करके घटाएंगे। तो अगर 0 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो आएंगे 0, बचेंगे अपने पास 52, तो मतलब 52 के 52 ही बच गए बस। फिर भाग नहीं देना, यहाँ संख्या आते ही भाग देना ही नहीं है, फिर आ जाएंगे ये यहाँ पे 52। तो इस संख्या का हो जाएगा भागफल, तो भागफल तो आ जाएगा 40 और शेषफल आ जाएगा 52, और यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब फड़ेंगे अपन दूसरे वीडियो में इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन।